हेलो एवरीवन, मेरी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दो तरह के गुलाब जामुन बनाना बताऊंगी। एक तो मैं डार्क कलर के गुलाब जामुन बनाऊंगी, जिसे हम काला जाम भी कहते हैं, और दूसरे में लाइट कलर के गुलाब जामुन बनाऊंगी। जो दोनों दोनों ही गुलाब जामुन खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, और ये बहुत ही स्पॉन्जी रसगुल्ले बनाएंगे। तो इनमें अंदर तक रस भरा हुआ बनेगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए हम शुरू करते हैं गुलाब जामुन बनाने। तो सबसे पहले हम गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी बनाएंगे। तो ये मैं 2 कटोरी चीनी डाली है इसमें। वजन से बताऊँ तो ये 500 ग्राम चीनी है, और इसी कटोरी से मैंने 3 कटोरी इसमें पानी डाला है। 2 कटोरी चीनी में मैंने 3 कटोरी पानी डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चाशनी में हमें उबाल आ गया है, इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है। इससे इलायची का अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है हमारे गुलाब जामुन में। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना इसके बिना भी बना सकते हैं। तो इस चाशनी को हमें 1 या 2 तार की नहीं बनानी है, थोड़ी सी चिपचिपी सी बस हो जाए, इतनी हमें बनानी है। तो ये मैंने 10 मिनट के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दिया। हमारी चाशनी बन के तैयार हो गई है। ये मैंने 250 ग्राम मावा लिया है, जिसे हम खोया भी कहते हैं। तो ये मैंने 250 ग्राम मावे को एक बर्तन में निकाल लिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच मैदा डाल रही हूँ। तो ये 2 चम्मच मैंने इसमें मैदा डाल दिया, और 2 चम्मच मैं इसमें सूजी डालूँगी। ये बारीक वाली सूजी है। तो हमें 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच मैंने इसमें सूजी डाल दी है बारीक वाली। वो इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। सबको अच्छे से मिक्स करके हमें इसका एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। तो हमें इसको अच्छे से हथेलियों से मसल मसल कर एकदम सॉफ्ट बना लेना है। तो हमें 10 मिनट तक इसको इसी तरह से मसलते हुए ऐसे का बिल्कुल एकदम सॉफ्ट डो बना लेना है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, कि हमारे रसगुल्ले एकदम स्पॉन्जी बनते हैं, और इनमें अंदर तक रस भरा हुआ बनता है। तो मैंने इसका एकदम सॉफ्ट बना लिया है। अब मैंने इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। ये डालना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। बेकिंग पाउडर डालने से रसगुल्ला अच्छे से फूल जाता है और उसमें अंदर तक रस भर जाता है। तो बेकिंग पाउडर डालकर भी मैंने इसमें अच्छे से मिला लिया है। ये सबसे लास्ट में डालना है बेकिंग पाउडर, हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो ये मैंने थोड़े से किशमिश लिए हैं, तो जो मैं रसगुल्ले के अंदर भरूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो भर लीजिए, वरना इसके बिना भी अच्छे रसगुल्ले बन जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत पसंद है ये, इसलिए मैं किशमिश भर के ही रसगुल्ले बनाती हूँ। तो मैंने ये एक बोल्स बना ली है, अब मैं दूसरी बोल्स इसी तरह बनाती हूँ। तो मैंने ये 2 बोल्स बना के तैयार कर ली है। इधर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दिया, और इसमें मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये मैंने सारी बोल्स बना ली है, और थोड़ी ये बचा है इसे मैं बाद में बनाऊंगी। तो तेल को हम गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाता है, मैं इसमें ये बोल्स डालना शुरू करती हूँ। तो अब हमें ये गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देना है। हमें हाई फ्लेम पर नहीं, रसगुल्ले फ्राई नहीं करने हैं, नहीं तो हमारे रसगुल्ले जल जाएंगे। तो ये मीडियम फ्लेम पर ही हमें फ्राई करने हैं। तो रसगुल्लों को थोड़ी देर के बाद हम इनको पलटेंगे। हमें एकदम कढ़ाई में डालते ही इसमें छलनी नहीं लगानी, नहीं तो हमारे रसगुल्ले ख़राब हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद हम इनको पलट देंगे, जिससे दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक जाएं। तो रसगुल्ले ये अच्छे से सिक रहे हैं, आप देख सकते हो कितना सुंदर इनका कलर आ गया है। तो सबसे पहले हम लाइट कलर के बनाएंगे थोड़ा रसगुल्ले। इनका कलर हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, आप देख सकते हो कितना सुंदर इनका रेड कलर आ गया है। तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। और ये चाशनी है, चाशनी अभी थोड़ी सी गर्म है, तो हमें बिल्कुल ठंडी चाशनी में रसगुल्ले नहीं डालने हैं। अगर हमारी चाशनी ठंडी हो जाए तो हमें थोड़ी गर्म कर लेनी है। तो ये बाकी के जो बोल्स बने हैं इनको भी मैं डाल रही हूँ, और इनके हम काले गुलाब जामुन बनाएंगे। इन्हें हम थोड़ा डार्क कलर के करेंगे, तो उसी तरीके से ये बनते हैं। बस इनका हम कलर थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो ये मैंने थोड़े डार्क कलर के कर लिए हैं, आप देख सकते हो ये मैंने काला जाम बनाया है। तो इनको भी मैं चाशनी में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने थोड़े पहले वाले थोड़े से लाइट कलर के बनाए थे, और ये मैंने काले कलर के बनाए हैं। तो इनको मैं अच्छे से इनमें डिप कर दूंगी, जिनमें इनमें अच्छे से रस भर जाए। तो इनको 1 घंटे के बाद हम चेक करेंगे। 1 घंटे के बाद हमारे रसगुल्ले में अच्छे से रस भर गया है। अब मैं इनको एक सर्विंग बोल में निकाल लेती हूँ, इनको मैं सर्व करूँगी। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छे रसगुल्ले बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो अब इनको मैं इन पर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लगा देती हूँ। ये बादाम और काजू को मैंने बारीक कर लिया था। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये मैंने लाइट कलर के रसगुल्ले सर्व किए हैं, बहुत ही अच्छे रसगुल्ले बने हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करना।